भाई जी देख रहे हो सुन रहे हो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली फिलहाल टाइम हो चुका है लगभग 10:30 बज चुके और आज का दिन जो होने वाला है भाई वो होने वाला है धमाल रपचिक, बिकॉज ऑफ दैट कि 19 फरवरी को क्या भाई शिव जयंती, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, जो हमारे लिए खास ही होता है। एक्चुअली जो एक्चुअली हमारा जो ग्रुप है, मंडल है, वो बड़ी संख्या में आज एकत्रित होता है और जो शिव जयंती का जो प्रोग्राम्स हमने रखे हुए होते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है वो रखे हुए थे आज के दिन 19 तारीख को भाई। तो इसी कारण आज जो है अभी के लिए फाल्के 16 है, तो भाई चल के देखते हैं, देखा आपको भी दिखाते हैं एक्चुअली महाराष्ट्र में शिव जयंती कैसे मनाई जाती है 19 तारीख को। सो भाई गाड़ी में बैठेंगे, आज भीड़ तो होगी बट कोई ना, भीड़ से डरने लगता साहब, बताओ क्या कड़क नियोजन यार। ये देखो भाई ढोल पसंद वगैरह तो फल आपको प्रारंभ ढोल पतंग भाई साहब खतरनाक मॉल और ये फल की याद रहेगी आपको शिवाजी महाराज चौक वहाँ पर ही। आपको दिखाता हूँ एक्चुअली पालकी जो जैसे मैंने बताई दिया पीछे की तरफ है, ये जो यहाँ पर भारत में चालक करी बोलते हैं ना वो छुटका है, लेकिन यहाँ ये देखेंगे और यहाँ पर
लगातार निरंतर ही चालू ही रहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यार ये पुरुष ऐसे थे कि जिनकी बदौलत जो है भारत वो टाइम पे आबादी जब अपने मंदिर है महाराष्ट्र में वो तस्त मस्त नहीं होने दी। जैसे औरंगाबाद ने इतना जुल्फिकार किया, जजियाकर लगाया, मंदिर तुड़वाए, बहुत सारे धार्मिक स्थलों पे आक्रमण किया, लेकिन इनकी वजह से लेकिन आज भी आबादत है यार वो चीज़ें। और इसी का गर्व है यार, हाँ, जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं जानते छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, ये उनके लिए एक्चुअली ये ब्लॉग है आज का, तो इसलिए मैंने शूट किया। और ये ब्लॉग रात को भी एक्चुअली यहाँ भी प्रोग्राम है, ये जो आप देख रहे हो सामने, ये लाइटिंग वगैरह पूरा लगाया हुआ है, तो यहाँ से ही जो है स्टैंडिंग डीजे यहाँ पर लगाया जाएगा, एक क्रेन की जगह पे यहाँ पे लगाया जाएगा, रोड तक पूरी पब्लिक यहाँ पर शाम को आपको दिखेगी ही दिखेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका जन्म जो हुआ था भाई 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था, और उनका देहांत 1680 साल के उम्र में रायगढ़ किले में हुआ था। लगभग 50 साल की उम्र यार उनको मिल गई, और भगवान अगर करे तो भाई उनको अगर 90-100 साल की अगर उम्र और 10-20 साल और जीते भाई 40-50 साल, तो यार ये जो नज़ारे थे जो मुगलों ने राज किया भारत पे वो देखने को नहीं मिलते, सच में देखने को नहीं मिलते। ये जो बता रहे भाई इनके बदल रहे साहब, तो भाई इनका तो गुंडोर तो होना चाहिए यार, आज उनका हैप्पी बर्थडे 19 फरवरी 2024। तो ये अभूतपूर्व योग देखने का हमें मौका मिला, और हम खुश नसीब एक आयोजक के तौर पर यहाँ पर देख रहे पूरा फिलहाल, लेकिन जोश है, जोश कम नहीं होना चाहिए, ना होना चाहिए, ना ना भाई ना। और मेरी हालत भाई पसीने से बेहाल हो गई, बिकॉज टाइम हो रहा है लगभग, और ये देखो भाई, भाई साहब इतनी गर्मी, भाई देखो पसीने से टपक गए भाई, नहा गए एक्चुअली, हाँ बताओ। तो चलो कोई ना, मिलेंगे थोड़ी देर में, तब तक के लिए जय शिवराय। चलो भाई फाइनली आ गए घर पे, अब जो रहेगा ना भाई शाम का जो प्रोग्राम रहेगा वो टॉप होने वाला है, टॉप इन द सेंस जैसे आपने अभी देखा ही होगा जो मेरोनुक थी भाई वो भी जबरदस्ती, और शाम को जो रहेगा वो तो टॉप ही रहने वाला है। फिलहाल तो यही कपड़े में थे, और शाम को जो रहेंगे भाई अपना पैजामा वगैरह जो भी रहेगा, बिकॉज क्या ना कंफर्टेबल होना चाहिए नाचने के लिए, इन द सेंस नाच गाने का प्रोग्राम है। सो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बने रहो व्लॉग में। भाई लगभग 5% बैटरी बची हुई है, और वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली फिलहाल टाइम हो रहा है लगभग बज रहे भाई 5:30-6 बज रहे हैं, ठीक है। और अभी जो गांव में जाना है, जो जिसे मैंने बोली दिया था ना मेरोनुक है, सो उसी लिए जा रहे हैं, और चाय पानी वगैरह तो ले लिया, बट देखेंगे। और हाँ, लेकिन आने में बहुत देर हो गया था, और खाना खाने में भाई 2:30 बज गया था एक्चुअली। वो टाइम पे मैंने कैमरा उठाया नहीं, बट भाई 2:30 बजा था, और अभी भाई जा रहे बाइक पे जाएंगे एक्चुअली। ये देखो भाई ये बुलेट तो देखो भाई, हाँ भाई ऐसा लग रहा है कभी धोई या ना भाई। पैजामा टी शर्ट्स यही पहन लिया, और गाड़ी की कंडीशन और देखो, गाड़ी नहीं लेके जाएंगे बिकॉज गाड़ी लगाने के लिए जगह ही नहीं, इतनी भीड़ वहाँ पर होगी, जो चौक होता है चौक में इतनी भीड़ होगी। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो शिव जयंती भाई ये कुछ अलग शिव जयंती हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ इस साल मैंने थोड़ा सा जो कंट्रीब्यूशन कम दिया था बिकॉज ऑफ दैट हेल्थ इशू। चलो भाई मोबाइल का चार्जर भी लेना है दुकान से, हाँ मैंने बोल दिया 5% बैटरी बची हुई, मोबाइल का चार्जर दुकान से लेंगे, थोड़ा मोबाइल चार्जिंग करेंगे फिर जाएंगे वहाँ पर। सो बने रहो व्लॉग में। भाई साहब ये सीट पाँच का रहेगा, और यहाँ से जो पब्लिक यहाँ तक रहेगी ऑलमोस्ट ये रोड तक जाएगी भाई, और एक आधा घंटे बाद भाई साहब मेरे पीछे आप देख पाएंगे ये है एक्चुअली प्रॉपर सेटअप। फिलहाल टाइम हो रहा है लगभग 6 बजे, और जो 6 बजे का लगाने का अनुमान था वो शायद से 10-15 मिनट लेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट की आरती शुरू होती है, ये टाइम आरती का होता है एक्चुअली। तो लेकिन ये देखो माहौल यार खतरनाक भाई,
ये पूरा सीजन ये देख पा रहे हो भाई साहब, खतरनाक एकदम। हाँ, और जो भाई शार्पी से जो शार्पी लगाई है एक्चुअली कही है, वो कतई जहर, कतई जहर। और जो ब्रास बैंड है एक्चुअली बच्चे जो है भाई इसी पे सुर पकड़ते हैं, सटाना ब्रास बैंड एक्चुअली स्वर सम्राट सटाना ये फेमस है अपने यहाँ पे, तो भाई टॉप लेवल। ये देखो जबरदस्त जबरदस्त छत्रपति शासन शिरडी शहर ये आपका स्वागत करता है भाई आज के ब्लॉग में। एक्चुअली आज है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, तो यार जल्लोस तो होना चाहिए। हाँ, वो आदमी के लिए जिसने अखंड भारत को एक रखा, जिसने अखंड भारत को एक नई स्फूर्ति दी, नई ऊर्जा दी, हाँ यार उन्हीं के लिए एक दिन तो बनता है। एक्चुअली आज उनका बर्थडे है 19 फरवरी 1630 में उनका जन्म हुआ था, जैसे मैंने बताया जैसे सिवनेरी में हुआ, और 4 मार्च 1680 को उनका देहांत हो गया, लगभग 50 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। बट यार वो युग पुरुष थे, जैसे महाराणा प्रताप हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, और भी बहुत सारे, इन्होंने नई राह दिखाई अपने भारतवासियों को। हाँ, वो टाइम पे तो भारत नहीं था एक्चुअली, अखंड था एक्चुअली, जो बांग्लादेश वगैरह जो भी है सब साथ में ही थे। थोड़ी देर में जो है डीजे चालू हो जाएगा, बट उससे पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट कि भाई अगर डीजे चालू हो जाएगा फिर रिकॉर्ड करने का टाइम मिलेगा ही नहीं, सो उससे पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एंजॉय करेंगे यार आज की रात का जो कुछ टाइमिंग जो रहेगा यार डीजे का, लगभग 7 बजे से लेके रात को 11:30 तक। एक्चुअली जो नॉर्मली पब्लिक जाती है हमेशा वो रोड तक जाती है, एक्चुअली वो रोड तक पूरी तरीके से जाती है, और ये बैनर वगैरह लगाए ये ऐसे ही रहेंगे 8 दिन में, ये भी मतलब पूरा निकल जाएंगे। हाँ, बट यार ये जो वाइब होता है एक्चुअली एक दिन का, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड थे, उन्होंने बोला यार उन 19 फरवरी को आप जो शिवजन के आप करते हो, हाँ उनका आप दिखाओ यार, सो कैमरा आज के दिन उठा लिया, काम तो खान कैमरा आज उठा लिया, दुकान पे आज छुट्टी। अब जाके ऑफिशियली तौर पे तो हेमेरोनो खत्म हो गई भाई, और ये फटाफट की आखिरी वजह देख सकते हैं एक्चुअली ये हमारे और भाई इसी पटाखों के साथ क्रैकल के साथ में आपको आज का साइन अप कर दे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन प्लीज गुड नाइट। फिलहाल टाइम हो चुका है लगभग 11:30 भाई, और खाना भी खाना है एक्चुअली। 6 बजे से यहाँ पर खड़े हुए थे और टाइम था लगभग 11:00, मतलब इन द सेंस कह लो कि 5 घंटे लगातार भाई साहब। तो मिलेंगे और एक चलो बाय चलो बाय गुड नाइट।